अपडेट अहम खबर है कराची के शेरशाह के प्राचा चौक वे धमाको थो है। धमाके में दह जणा मार बारह का जख्मी थी पया धमाके सबब इमारत किरी पई है केतरा ही मू मलबेटा दबजी वन आगाही डींदू अहम खबर है कराची बार शेरशाह के प्राचा चौक वे धमाको पेश आयो है दह जणा मार बारह का जख्मी थी पया तफसील मालूम कदी कराची में गाजी झंडी का जी गाजी अपडेट कजो कड़ा तफसील है जी बिल्कुल शेरशाह वालों बैंक है प्राचा चौक जिते कुछ देर पहले एक खानगी बैंक की इमारत में धमाको थो है। इमारत मुकम्मल तौर से तबाह की वही है हिंसर तीन जो मालूम है बैंक अंदर मौजूद अमले समेत बैंक के भरपासे में मौजूद जो जानी नुकसान थो है। दह फौतिन का लाश जिना अस्पताल के ट्रामा सेंटर में मुंतकिल किया वह जैसे हिंसर वाके वाले अंदर का एक लाश मिलो है जो इन तबाह थल इमारत के मलबे में आयो है। मजबूरी तौर से इन हादसे या धमाके के नतीजे में हिंसर तीन यारह फौत थी चुका है तेरह का जख्मी हैं जिनमें चैन जन की हालत गर्ती जोगी बुधाई वे पी डॉक्टर्स कोशिश करन पा जे जख्मी ट्रामा सेंटर में मुंतकिल किया वह जिंदगी बचाई वन शुरुआती तौर से मालूम दिनी वे पी पुलिस के तर्जमान जो मौकफ है तो ही शेरशाह के प्राचा चौक वे इलाके में धमाको थो है वो दरअसल सुई गैस की पाइपलाइन फाटण के कर धमाको सामू आयो है जैसे कर बैंक की इमारत के नुकसान पहुंचो है। जहां ही खानगी बैंक कायम थल हुई वह नाले के मथा कायम थल हुई उन नाले के हेठा गैस की पाइपलाइन गुजरी गैस पाइपलाइन फाटी है तो डबल स्टोरी इमारत है ये बैंक की जो मुकम्मल तौर से तबाह की वही है। इन धमाके के कर न रुगो भर पासे वाले इमारतों के नुकसान पहुंचो है पर जी उत गाड़ी मौजूद हुई उटरी वही पैं जगह ती बिन जगह से किन एडो जोरदार ही धमाको जैसे कर हिंसर तीन यारह मू फौत चुका तेरह का जख्मी है वाके वाले हंध से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ इमदादी इदारों का रजाकार कोशिश करन पा तो मलबे में जे जख्मी या लाश मौजूद हैं उनके बाहर कढ़ो वे जैसे त रेंजर्स पुलिस समेत कानून लागू कदर इदारा पिण वाके वाले हंध से मौजूद हैं। जी मेहरबानी मां जी आगाह करण लाए नाज़रीन वाके अपडेट कंदा हलूं। अफसोसनाक हादसों पेश आयो है कराची में अवे अपडेट कर रहा हूँ शेरशाह जी प्राचा चौक जो धमाको थो है दह जणा मार्जी वह।